राजधानी रायपुर के एक क्लब में शनिवार देर रात गर्लफ्रेंड के चक्कर में गोली चल गई। दो युवकों के बीच गर्लफ्रेंड को लेकर पहले तो विवाद शुरू हुआ, जिस पर एक युवक ने दूसरे की गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी। तैश में आकर दूसरे युवक ने अपने लाइसेंस से पिस्टल से गोली चला दी। पुलिस ने आरोपियों का आधा मुंडन कर जुलूस निकाला है। मामला तेलीबांधा थाना क्षेत्र का है। पेट्रोलिंग टीम को गश्त के दौरान सूचना मिली कि हाइपर क्लब की पार्टी में गुड़ियारी के रहने वाले विकास अग्रवाल और भाठा गांव के रोहित तोमर के बीच विवाद हुआ है। दोनों के बीच किसी को लेकर बहसबाजी शुरू हुई और बाद में फायरिंग हो गई। घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। रोहित तोमर ने गुस्से में आकर विकास की कार में तोड़फोड़ कर दी। उसने विकास के साथ धक्का मुक्की भी की। घटना के बाद विकास ने अपने लाइसेंस से पिस्टल निकालकर रोहित की तरफ फायरिंग कर दी। हालांकि इसमें किसी को भी चोटें नहीं आई है। इस घटना के बाद रायपुर सिटी एडिशनल SP लखन पटले, CSP मनोज ध्रुव और तेलीबांधा पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस दोनों आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही है। विकास ने रोहित पर आरोप लगाया है कि उसने अपनी कार में रखे क्रिकेट बैट से उस पर हमला किया। रोहित के साथ उनके साथी सारंग मंधान भी शामिल था। इसके अलावा बियर की बोतल से सीने पर वार किया गया। बोतल कोहनी पर लगी और खून निकलने लगा। विकास ने कहा कि उसने अपने बचाव में हवाई फायर किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, खटपट न्यूज़।